ओ लेट्स गो गाइस, लड़ाई चालू हो चुकी है भाई अपनी यहाँ पर, और अपना वाला पैल भी ओके, दोनों के दोनों एक दूसरे को डैमेज दे रहे हैं, बट भाई अपना पैनकिंग मरने वाला है। ओ गाइस, और यहाँ पर ओ ग्रीन टेल मिल गया गाइस, आधा आधा, ओ मार दिया। अरे व्हाट, मुसांडा लेक्स भी भैया ठंडा सा पड़ गया क्या? और मारा करंट, मारा मार रहा है करंट, मैं नहीं लड़ सकता। अरे मुसांडा लग, वहाँ क्या कर रहे बाबू, वहाँ क्या कर रहे हो तुम? अबे यार भाई, ये बंदा ना पागल हो गया सही में। तो हेलो गाइस, क्या हालचाल, बढ़िया सब? तो गाइस आज हम दोबारा के लिए वाले अपन पैल वर्ल्ड, और गाइस जैसे कि मैंने तुम लोगों से लास्ट वाली वीडियो में पूछा था कि क्या मेरे को जो है भाई यहाँ पर पैल किंग से फाइट करनी चाहिए, जो कि यार गाइस एक बॉस पोकेमोन है, ठीक है। और वैसे पिछली वाली वीडियो अगर तुम लोगों ने देखी होगी तो तुम्हें ये भी याद होगा कि गाइस जो वो बॉस पोकेमोन है ना भाई पैल किंग, वो हमें भाई एक अंडे के अंदर से मिल गया था। मतलब मैंने जो था एक एग को इंक्यूबेशन के लिए लगाया था, और वो एग जब अपन ने ओपन करा तो उसमें से जो था भाई हमें पैनकेक मिल गया था। बट गाइस वो पैनकेक जिस टाइम पे हमें मिला था ना, उसका भाई लेवल वन था। और वैसे जितने भी मतलब अंडे में से पोकेमॉन निकलते हैं भाई, सबका जो है लेवल यहाँ पर वन ही रहता है, क्योंकि आप लोग अगर रियल लाइफ से थोड़ा कंपेरिजन मतलब जोड़ो तो चीज़ें काफ़ी सिमिलर है यार। क्योंकि जब एक छोटा बेबी होता है तो यार काफ़ी ज़्यादा छोटा है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। मतलब वैसे ही सीन इसमें है कि जब अपना कोई भी मतलब जो पैल है वो अगर अंडे में से हैच होकर निकलता है तो उसका लेवल वन रहता है, हमें उसका लेवल बढ़ाना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पर जो है मैंने जो है भाई वो वाले क्या बोलते हैं अपना जो पैल है ना अपना, जो गाइस यहाँ पर क्या बोलते हैं वो है पैल किंग, ठीक है। जो कि मतलब पिछली वीडियो में, पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने भाई इसको लेवल वन पे देखा था, मैंने उसका जो है गाइस यहाँ पर लेवल बढ़ा के भाई अपने लेवल के बराबर कर दिया। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइस अपने खतरनाक वाले पैल से, ठीक है। और वैसे खतरनाक तो ये नहीं है, बट ये तुम लोग देख सकते हो मैंने इसका लेवल भाई ऑलमोस्ट भाई 16 लेवल कर दिया, मतलब 15 चल रहा है और मेरा जो है लेवल 16 गाइस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और अभी इसका अटैक अगर देखे अपन लोग तो गाइस इसका जो अटैक डैमेज है वो भाई बस 221 का ही है, और जबकि इससे ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक जो है भाई पैल अपने पे ऑलरेडी पड़े हैं गाइस। मैंने एक बार तुम्हें दिखाता हूँ, तो गाइस ये देखो, ये है अपना डीनो डायनोसॉर्म्स, ठीक है। इसका अटैक डैमेज 229 का है और इसका 221 का है। और ये है गाइस अपने मुसांडा लक्स, जो कि हमें लास्ट वाले एपिसोड में भाई मिला था। और ये मुसांडा लक्स ना सिंडिकेट ने गाइस यहाँ पर कैप्चर मतलब इसको पकड़ के रखा था, हमने उसको वहाँ से चुराया, तो ये पोकेमॉन अपना हो गया। और इसका भी डैमेज तुम लोग देख सकते हो 249 का है। और ये है गाइस इसका छोटा भाई मुसांडा, ये ग्रीन वाला मुसांडा है, ये इलेक्ट्रिक वाला मुसांडा है, ठीक है। तो इन दोनों का डैमेज देख सकते हो काफ़ी तगड़ा है गाइस। और अपना नाइट विंग भी जो है भाई 245 का अटैक डैमेज देता है, मतलब अपनी गैंग एकदम तगड़ी है। और ये है गाइस अपना सर्फेंट, जो कि मतलब भाई ये मेरे को लगता है भाई मतलब एकदम गॉड लेवल का अपने पास में पैल है फिलहाल। हाँ गाइस, मैंने एक चीज़ थोड़ा बताना भूल गया यार, मैंने ना अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई कुछ एग ना यहाँ पर इंक्यूबेशन के लिए लगाए थे, तो ये गाइस ना डार्क एग मैंने लगाया था, देखते हैं इसके अंदर से भाई हमें कौन सा नया जो है पोकेमॉन मिलने वाला है। और ओ डेड ड्रीम वॉज बर्न, ओके ये शायद वो है भाई, ये नाइट वाला पोकेमॉन है, ये मेरे पे ना शायद पहले से होगा क्योंकि मैंने ना इसको पकड़ के रखा था। हाँ ये देखो भाई, ये लेवल वन का है। अच्छा ये नहीं था, ये मैंने कैप्चर नहीं करा था, मेरे को लगा था ना किसी काम का नहीं है। बट इसका भाई अटैक 105 का लेवल वन पे, मेरे को लगता है कि इसका लेवल 15 तक आते आते बहुत ज्यादा खतरनाक जो है अटैक हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने एक वेरडेंट जो है एग यहाँ पर रखा हुआ था गाइस इंक्यूबेशन के लिए, ये भी कंप्लीट हो गया, इसमें से देखते हैं क्या निकलने वाला है। ओ इसमें, अरे यार ये लिम्फंग मत दो यार, मेरे पे ऑलरेडी बहुत हो गई है भाई, पिछली बार भी शायद एक अंडे में से निकली थी। चलो गाइस एक काम करते हैं, एंड वेट, हाँ मेरे को ना एक और एग शायद मिला था। अच्छा नहीं, मेरे को जो एग मिला था ना वो वही था गाइस, वो डार्क वाला जो था ना वो था। फिलहाल यहाँ पर मैं जो है एक लार्ज कॉमन एग डाल देता हूँ, जिसको को जिससे इंक्यूबेशन होने में 1 घंटे का टाइम लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, अपन जो है अपने पे टाइम की कोई कमी नहीं है गाइस। फिलहाल आज ना, हाँ मैं आज तो मैं बताना भूल गया गाइस, और अपने पे एक और लार्ज कॉमन एग पड़ा है, ये भी ना अपन इधर वाले जो है इंक्यूबेशन में लगा के चलते हैं। और हाँ गाइस, मैं तो बताना भूल गया कि आज के इस एपिसोड में जो है भाई हम लोग जो है भाई पैनकिंग वर्सेस पैनकिंग की फाइट करने वाले हैं, मतलब जो बॉस पैनकिंग है ना आज हम उससे भाई अपने वाले पैनकिंग की लड़ाई कराएंगे। ये रहा गाइस वो पैनकिंग जो कि लेवल 15 का है, और अपना वाला भी जो है क्या बोलते हैं वो पोकेमॉन मतलब अपना जो पैल है पैनकिंग, वो भी गाइस हमने लेवल 15 का यहाँ पर कर लिया है। तो वहाँ पर जाने से पहले सबसे पहले मैं जो है अपने थोड़ा आर्मर वार्मर रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा खाना अपने साथ में लेके चलेंगे, और बाकी यहाँ पर जो है अपन एक काम करते हैं, बेटा मशरूम पकने रख दूँ क्या? अरे मेरे पे बस एक ही मशरूम है, ओके मैं ये काम करता हूँ, ये यहाँ पर जो है यहाँ पर खाने को पकने को रख जाता हूँ, ठीक है। बाकी मैं अपने तगड़े वाले पोकेमॉन लेके चलता हूँ गाइस। तो आज जो है अपन ना यहाँ पर
अपनी एक टीम बनाते हैं भाई, तगड़ी वाली टीम बनाते हैं, ठीक है। देखो पैन किंग को अभी जो है मैं बस लड़ाने के लिए गाइस लेके जा रहा हूँ, ठीक है। बाद में इसको मैं शायद अपनी टीम से निकाल दूँ, क्योंकि ये ना इतना मेरे को ज़्यादा कुछ खास पावरफुल अभी लग नहीं रहा है। बाकी लेवल 16 पर जब ये पहुँचेगा तब देख लेंगे। बाकी यहाँ पर जो है पैन किंग अपने साथ जाएगा, तो इसकी जगह पर देखो नाइट विंग भी अपना साथ में जाएगा। और ये वाला जो है ओके, ये वाला जो मुसांडा है ना, इसको मैं नहीं ले जाऊंगा गाइस। इसको मैं इसलिए नहीं ले जा रहा बिकॉज मेरे पे ना क्या बोलते हैं जगह नहीं है भाई ले जाने के लिए। इसके लिए जगह इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपना ये भाई जो सरफेंट है ना इसको ले जाने वाला हूँ, ठीक है। और नाइट विंग अपने साथ जाएगा गाइस, और तो यहाँ पर दो गए, और अपना मुसांडा लक्स जाएगा गाइस, और अपना पैन किंग चलने वाला है, और डिनोसॉर्म्स भी चलने वाला है, ठीक है। और कोई तगड़ा पोकेमोन ऐसा तो नहीं है जो कि मैं भाई मिस कर रहा हूँ। वैसे अपनी गैंग में एकदम तगड़े वाले ही पोकेमोन अपन ने गाइस जो है यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये मुसांडा लक्स यहाँ पर आएंगा, ठीक है। और अपना ये वाला मुसांडा लक्स माइनिंग वाइनिंग के काम में आता है, ये लंबरिंग के काम में आता है। कोई नहीं, अभी ना एक काम करते हैं, इतना ही सामान चट्टर रखते हैं और फटाफट से चलते हैं गाइस। आज जो है हम लोग काफ़ी तगड़ी फाइट करने चलने वाले हैं, तो गाइस क्या तुम लोग रेडी हो? देखो मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ भाई। अपन ना आज जो है यहाँ पर पैन किंग की बैंड बजा के आने ही वाले हैं भाई। कुछ भी हो जाए आज पैन किंग की अपन पुंगी बजा ही देंगे, क्योंकि अब तो गाइस अपने पास में वो भी आ गया यार, उसका क्या नाम है, क्या नाम है यार उसका, क्रॉस वो। हाँ गाइस, पहले ना अपने पे क्रॉस वो नहीं था भाई, अब तो अपने पास गाइस क्रॉस वो भी है। तो इसका मतलब भाई इस बार जो पैन किंग है ना वो अपने से बच नहीं पाएगा। बट सबसे पहले देखो ऐसा है गाइस, जब मेरे को लगेगा कि मैं ना यहाँ पर फाइट हार रहा हूँ, ठीक है, मैं तभी यहाँ पर कोई और पोकेमोन यूज़ करूँगा, वरना मैं ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है भाई पैन किंग वर्सेस पैन किंग की कराने वाला हूँ गाइस। तो देखते हैं भाई कि अपना पैन किंग जीतेगा या फिर सामने वाला पैन किंग, क्योंकि दोनों का जो लेवल है वो बराबर है और दोनों के दोनों एक साइज के है भाई। ओ लेट्स गो गाइस, लड़ाई चालू हो चुकी है भाई अपनी यहाँ पर, और अपना वाला पैल भी ओके, दोनों के दोनों एक दूसरे को डैमेज दे रहे हैं। बाकी छोटे पोटे से मैं निपट लूँगा, ठीक है, इन लोगों से जो है मैं निपट लूँगा गाइस। ये वाले जो पेंगुलेट है ना इनसे तो अपन निपट लेंगे। चल निकल भाई, लास्ट टाइम ये लोग ना मेरे को बहुत जल्दी मार दे रहे थे। एंड ये देखो अबे यार, रुको रुको रुको, चल निकल, रुक जा बेटे, तेरे को बताता हूँ, चल ये खा। ओके दो में डैड बंदा डैड भाई, हेडशॉट मारने में ज़्यादा डैमेज पड़ता है इन्हें। अरे रिलोड नहीं है, कैसे नहीं रिलोड है, चल निकल। ओके मेरी हेल्थ डाउन हो रही है, ओ अरे रिलोड कर ले भाई, मर जाऊँगा मैं। ओ चलो गाइस, हमने छोटे मोटे पेंगुलेट को मार दिया है, बट भाई अपना पैन किंग मरने वाला है। ओ गाइस भाई, सामने वाला जो पैन किंग है ना वो भाई ज़्यादा बड़ा है। चल भाई अभी मुसांडा लक्स की बारी है गाइस, और मैं पहली बार इससे लड़ाई कराने वाला हूँ, देखने वाला हूँ गाइस इसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। अरे अरे भाई बिजली के झटके पड़ गए, अरे भाई पैन किंग बेटा तू तो नहीं, नहीं इसको कैप्चर भी करना है मेरे को वापिस आ। अरे मैं तो भूल गया गाइस, भाई ये वाला पैन किंग भाई अपने पैन किंग से ज़्यादा बड़ा है गाइस। रुको 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 रुको, इसको पकड़ के लेके चलेंगे भाई, इसको मैं मनी मारूंगा यार, इसकी ओनली 34 HP बची है। ओके आ जा, इतने आसानी से आएगा नहीं मेरे को पता है, बट टेंशन मत लो अपन ने इसको कैप्चर कर ही लेंगे। कैप्चर रेट बढ़ नहीं रहा है, 50% तक ही आ रहा है। कोई नहीं, मेरे पास में ना बहुत सारे पैल पड़े हैं। ओए वेट वेट, अरे यार ये आ क्यों नहीं रहा भाई, आ जा ना प्लीज़। क्या ये नॉर्मल वाले में नहीं आएगा क्या? मैंने वो वाले मेगा स्पेयर नहीं बना रखे गाइस, मैंने मेगा स्पेयर नहीं बना के लाया हूँ भाई, इसी में देखो एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें छोटे बड़े वाले। ओ लेट्स गो, चलो आ गया गाइस। एंड भाई ये वाला पैन जो वो है ना पैन किंग गाइस, ये भाई अपने वाले पैन किंग से बहुत बड़ा है गाइस। मतलब तुम लोगों ने देखा ना दोनों के जब दोनों के दोनों जब लड़ रहे थे आपस में, तब भाई मैंने ये चीज़ रियलाइज करी कि भाई ये वाला जो पैन किंग था, ये बॉस पोकेमोन मतलब जो बॉस पैल है भाई, वो अपने वाले पैल से काफ़ी बड़ा था यार। ओके इसीलिए भाई अपना वाला जो पैल था वो मर गया, बट कोई नहीं, एट दी एंड गाइज जो है हम लोग यहाँ पर फाइट अपनी जीत चुके हैं। और अगला बॉस ओके, अगर हम दोबारा इससे लड़ना चाहें तो हमें 1 घंटे बाद दोबारा आना पड़ेगा। बट अरे भाई कैसी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे, भैया जल्दी एक काम कर, घर ले चल मुझे घर ले चल, मुझे अपना जो है क्या बोलते हैं नया वाला पैन किंग देखना है, क्योंकि पुराना वाला पैन किंग पे मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे लगता है यार वो वाला जो मतलब मेहनत ना गाइस अपनी वर्थेड रही नहीं भाई, क्योंकि यार अपना वाला पैन किंग यहाँ पर हार गया। बट कोई नहीं, फाइट तो देखो हम लोग जीते गए गाइस, क्या बोलते हो भाई, फाइट तो काफी मजेदार थी और काफी मजा भी आया आज की फाइट में। फिलहाल अभी रात हो रखी है, बट एक सेकंड उससे पहले ना मैं काम करता हूँ अपना। वैसे ये पैन किंग मर गया क्या? हाँ ये पैन किंग भाई ऑल डेड हो गया, मतलब
और इसकी जगह पे यार भाई कौन सा वाला पोकेमोन मेरे को रखना चाहिए अपने साथ में? ये वाला मोसांडा रख लूं क्या? चलो दोनों के दोनों मोसांडा रखते हैं। और वीट, अरे यार मैं अभी जस्ट जो पैनकिंग लाया हूँ पकड़ के, इसका डैमेज ओके, इसका 184 का डैमेज था और इस वाले का भाई इसका 231 का डैमेज है गाइस। अरे ये वाला मोसांडा भैया तुम्हें जाना पड़ेगा भाई, तुम अपनी पार्टी से जा रहे हो, अपनी पार्टी में अभी नया वाला पैनकिंग आ रहा है, मतलब जो की बॉस पोकेमोन है भाई, लेट्स गो गाइस। चलो अभी ना एक काम करते हैं, फटाफट ना अपन चल के पहले ना फटाक से सो लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि और हमें आज क्या काम, मतलब क्या काम करना है। वैसे तो तुम्हारे भाई का टारगेट था कि भाई अपने पैनकिंग की बैंड बजाने की, और वो हमने जो है आज अच्छे से बजा लिया गाइस, ठीक है। एंड अभी ओ भाई वेट अ सेकंड, ये वाला, अच्छा ये वाला एग अभी है जोन में, काफी टाइम है, मतलब इंक्यूबेशन हो रही है और इसमें भी काफी ज्यादा टाइम है। एंड मैं ना तब तक एक काम ये करता हूँ, मैं ना नई नई चीजें देख लेता हूँ, क्योंकि अपना गाइस लेवल 16 यहाँ पर हुआ है, तो लेवल 16 पे वो मेगा शील्ड, लेट्स गो गाइस, ये मेरे को बनानी थी गाइस। एंड उसके अलावा यहाँ पर ओके एग इंक्यूबेटर है, और ये स्मॉल फीड बैग में खोल लूँ क्या गाइस? ये मेरे काम का है मेरे को लग रहा है। अनलॉक अ फूड स्लॉट इन योर इन्वेंटरी, प्लेयर्स एंड पाल्स ऑटोमेटिकली कंज्यूम फूड। ओ भाई ये काम की चीज़ है गाइस, ये अपन खोलने वाले हैं, लेट्स गो। इसको बनाने के लिए कुछ चाहिए होता है क्या? आई थिंक ये ऑलरेडी बन चुका होगा मेरे ख्याल से, हाँ ये शायद बन चुका है गाइस, मेरे ख्याल से तो बन चुका है। एंड ये क्या है भाई, वेट ये की आइटम है, अच्छा पर मेरे को ना ये देखना है कि फूड वाला वो गया कहाँ पे यार, वो कहाँ पर बनेगा, क्या यहाँ पर बनेगा क्या? और मेरे को ना नई वाली मेगा शील्ड भी बनानी है, आई थिंक वो यहाँ पर कहीं पर बनेगा मेरे को लग रहा है। हाँ ये रहा गाइस स्मॉल फीड भाई, इसको अपन बनाते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है गाइस ये ना काफी काम का है, मतलब इसमें ना हम लोग खाना रखेंगे ना, तो होगा ये कि खाना जो है हम ऑटोमेटिकली कंज्यूम करेंगे, और साथ ही साथ अपने जितने भी मतलब अपने पार्टी में 5 पोकेमोन रहते हैं वो भी जो है इस खाने को कंज्यूम करेंगे, लेट्स गो यार। और ये कहाँ गया भाई ये बैग, ये थैला जो मैंने बनाया है किधर गया भाई? हेलो, अरे व्हाट, अबे कहाँ से एक्सेस करूंगा मैं से? अच्छा ये रहा, इसको मैं एक्सेस कैसे करूँ? नहीं इसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा, वेट तो ये फिर सीन क्या है भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। इस पे डाल दूं, ऐसे पड़ेगा क्या, ऐसे कहीं पर पड़ेगा? अनलॉक अ फूड स्लॉट इन इनवर्टेड प्लेयर पर ऑटोमेटिकली कंज्यूम फूड व्हेन हंग्री। अब देखते हैं कि ये चीज काम करेगी नहीं करेगी, फिलहाल मैंने इसको बना के गाइस जो है रख लिया है। और हाँ ये अच्छा वही सारी चीजें है ना जो मैंने शेडल यहाँ पर बना रखी है, हाँ हाँ अच्छा अच्छा ये मतलब अपना बन चुका है, ओके ओके ठीक है। एंड फिलहाल ना गाइस मैं सोच रहा हूँ अभी ना अपन थोड़ा मेगा स्पेयर के भी ऊपर भी बनाने का थोड़ा मतलब फोकस करते हैं, क्योंकि हमें ये वाले भी जो है वो बना के रखने हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर और कुछ काम का आइटम है, देख लेते हैं क्या क्या अनलॉक हुआ है। कूलर मेरे को अनलॉक करना चाहिए क्या? कूलर की वैसे अभी इतनी खास हमें नीड है नहीं, बाकी है मेटल हेडड्रेस पेल्ट आर्मर, भाई ये वाला आर्मर बनाते हैं मेरे को लग रहा है ज्यादा तगड़ा है गाइस। एंड ये दोनों मेरे को ना अभी बनाने भी है यार, तो इनको बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? ओके इनको बनाने के लिए अपने पे सब कुछ है ना मेरे ख्याल से, पहले मेरे को ना ये बना के देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये वाला आर्मर ज्यादा अच्छा है या हमने जो पहन रखा है वो ज्यादा, अगर ये वाला ज्यादा अच्छा होगा तो हम इसको बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पर मेरे को एक बंदे की रिक्वायरमेंट है यार, हैंड वर्किंग बंदा है क्या कोई? ये पैनकिंग होगा ना भाई, हाँ चल भैया पैनकिंग, कुत्ता बड़ा है साइज में काम करा है यहाँ पर मेरा, मेरे लिए थोड़ा नए कपड़े लेते बनवा दे यार जल्दी जल्दी। ओके हाँ तो यार ये बंदा काफी तेजी से चला रहा है गाइस, और ये हीट रेजिस्टेंट पेल्ट आर्मर है, तो मतलब आग वाग से ये हमें थोड़ा शायद प्रोटेक्ट करेगा, देखते हैं क्या सीन होता है। फिलहाल बनने वाला है गाइस कुछ ही सेकंडों में, एंड बन जा। ओ चलो जी बन के तैयार है गाइस अपना नया वाला आर्मर, और ये लेवल 10 का है, और हमने जो पहन रखा है वो भी लेवल 10 का, ये डिफेंस 35 का देगा या 45 का देगा, इसकी हेल्थ 140 है, इसकी मतलब हेल्थ के मामले में दोनों बराबर हैं, बट डिफेंस थोड़ा सा इसका ज़्यादा अच्छा है गाइस, ठीक है ठीक है। और उसके बाद अभी ना गाइस अपन यहाँ पर मेगा शील्ड बनाने वाले हैं, जिसके लिए मेरे को पैल्डियम फ्रैगमेंट लगेंगे, और पैल्डियम फ्रैगमेंट मेरे पे खत्म हो गए यार भाई, ये बात ना थोड़ी सी लाइक मेरे को अच्छी लगी नहीं यार कि पैल्डियम फ्रैगमेंट कैसे खत्म हो सकते हैं। फिलहाल ये कॉइन निकालो, और ये आर्मर अपना यहाँ रख देते हैं गाइस अपन, ठीक है। तुम्हारा भाई जितना भी मतलब आर्मर वीरमर उतार रहा है ना वो मैं एक ही जगह रख रहा हूँ, बाकी कॉइन देख रहे हो अपने पे कितने सारे हो गए। मैं यहाँ पर ना वो क्या बोलते हैं वो ट्रेडर भी नहीं आ रहा यार काफ़ी टाइम से, मेरे को शायद एक ही एपिसोड में मिला था, उसके बाद मेरे को उसके दर्शन ही नहीं हुए। हाँ अभी ना मेरे को थोड़े से पैल्डियम फ्रैगमेंट चाहिए। चलो आ जाओ, एक काम करते हैं मुसांडा लक्स से काम करेंगे गाइस, मुसांडा लक्स तू मेरे लिए काम करेगा। यार ये उड़ता क्यों है अब मेरे को तो, ये ओके ये अच्छा, ये पेंगुलेटी इसको तोड़ेगा, तोड़ भाई तोड़ जल्दी तोड़। अरे अबे एक तो पत्थर निकाल ले, इससे ज्यादा तो मैं निकाल दूंगा इसमें से, मजाक से एक निकाला है भैया जी ने इतनी देर में। चलो दोनों मिल के भाई तोड़ते हैं, चलो गाइस ओके 5 मिल गए, आई थिंक मोर देन इनफ है, मेरे को थोड़े और चाहिए होंगे यार। ये पैल्डियम फ्रैगमेंट वगैरह का भी ना कुछ ऐसा जैसे स्टोन पेट है ना, ऐसा कुछ मतलब लाइक होना चाहिए गाइज,
और आर क्या बोलते हैं मेटल वेटल का भी, क्योंकि ऐसे ना मतलब चीजें ढूंढने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है यार। अभी सोचो यार बंदा भाई अपना यहाँ पर ये क्या बोलते हैं पैल ढूंढेगा या फिर भाई इन सबको ढूंढता फिरेगा यार। चलो फिलहाल अपन ये यहाँ पर मेरे को एक पत्थर नजर आ रहा है, इसको भी अपन ना फटाफट जो है अपने ही हाथों से तोड़ लेते। और दो ही निकले भाई यहाँ पर, मतलब जितने भी थे सारे के सारे अपन ने तोड़ दिए। एक काम करते हैं, थोड़ा ना दूर चलना पड़ेगा भाई, नाइट विंग पे बैठते हैं और थोड़ा ना दूर चल के जो है थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं अपना पैल्डियम फ्रैगमेंट कलेक्ट करके लाते हैं, क्योंकि मेरे को ना अभी इसकी काफ़ी नीड बढ़ने वाली है और मेरे को ना मेगा स्पेयर भी मतलब बनाने हैं यार, तो उसके लिए भी इन चीज़ों की मतलब रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अभी ना फटाफट से मैं जो है थोड़े से ना यहाँ पर पैल्डियम फ्रैगमेंट अभी कलेक्ट करने वाला हूँ। और ये रहे पैल्डियम फ्रैगमेंट, ऊपर उड़ना भाई मेरा नाइट विंग, क्योंकि ना कभी कभी पागल ही हो जाता है। चलो इसको तोड़ते हैं गाइस, देखते हैं इसमें से कितना। अरे व्हाट, ये कैसी कूदी मार दी भाई इसने, अलग ही लेवल की जंप कर दिया। एंड चलो पांच यहाँ से मिले हैं, थोड़े से और चाहिए होंगे यार, इतने से तो काम नहीं बनेगा। फिलहाल ये पैल स्पेयर उठा लो भाई, फ्री फंड का मिल रहा है, फोकट का तो कौन ही छोड़ेगा। बाकी ये किसको मार दिया भैया तुम लोगों ने, चिकी पिकी मरा पड़ा था बेचारा। चलो गाइस फटाफट से जो है यहाँ पर भी अपन पैल्डियम फ्रैगमेंट निकालते हैं, ढेर सारे, उसके पांच ही निकले यार, कितने हो गए मेरे पास, कहाँ गए पैल्डियम, ओके 19 हुए हैं मेरे को, टोटल 29 के अराउंड चाहिए। ठीक है निकालो निकालो, और तोड़ो और तोड़ो, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। ओके पांच और निकल गए, अभी भी कम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सामने मेरे को एक और नजर आ रहा है और मेरा स्टैमिना खत्म होने वाला है यार, मेरे को ना अभी स्टैमिना पे थोड़ा पॉइंट डालना पड़ेगा गाइस। ओके चलो 10 हो गए टोटल। एंड मैं ना क्या बोलते हैं हेल्थ पे पॉइंट डालूं या फिर स्टैमिना पे, मेरे हिसाब से मेरे को ना हेल्थ पे थोड़ा अभी ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी ना गाइस आए दिन भैया लड़ाई इधर उधर होती रहती है, तो इसीलिए। और बाकी गाइस हमारा अभी अगला टारगेट ना ये है भाई, क्या बोलते हैं मेमोरिस, हालांकि इसको मार पाना इतना आसान भी नहीं है जितना कि लग रहा है, बट एक ना एक दिन गाइस अपन इसको मारेंगे गाइस। और मैंने ना मतलब मेरे को लगता है देखो ये तो जो है बॉस वो है, क्या बोलते हैं बॉस मेमोरिस्ट है गाइस। नॉर्मल वाले मेमोरिस भी तुम लोगों ने देखे होंगे जो घूमते रहते हैं उधर, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना उनको यहाँ पर कैप्चर करूँ भाई गाइस। अच्छा तुम लोग मेरे को कमेंट में बताना कि क्या मेरे को मेमोरिस्ट पकड़ना चाहिए नॉर्मल वाला, क्योंकि देखो ये तो जो है भाई यहाँ पर नहीं बन पाएगा, मैं सही बता रहा हूँ ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि मतलब ये बन मैं कह रहा हूँ बन नहीं पाएगा, ये नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि भाई ये सही में बहुत ज़्यादा मतलब किंग ऑफ द फॉरेस्ट है, तो तुम लोग समझ रहे हो इतनी आसानी से तो जो है ये पकड़ में नहीं आने वाला है। बट हाँ जो मतलब इधर उधर जंगल विंगल में घूमते रहते हैं ना, मैं सोच रहा हूँ मैं उसको कैप्चर करूँ। तो तुम लोग ना गाइस मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना कि क्या मेरे को जो है वो वाला मेमोरिस को यहाँ पर पकड़ने का एक बार ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो तुम लोग जाके फटाफट से जो है कमेंट करके तुम्हारे भाई को बता दो। एंड चलो गाइस अपनी ना मेगा शील्ड बन चुकी है, अपन ना इसको पहनेंगे, क्योंकि अपने पास जो कॉमन शील्ड थी ना वो 100 का उसका क्या बोलते हैं वो 100 थी, और ये जो है ये 260 है भाई, तो इसका मतलब ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। चलो इसको पहन लेते हैं और अभी जो है अपन और भी ज़्यादा लाइक पावरफुल धीरे धीरे होते जा रहे हैं गाइस। ठीक है धीरे धीरे ही होंगे, एकदम से नहीं हो जाएगा यार, तुम लोग क्या सोच रहे हो एकदम से अपन पावरफुल हो जाएंगे, ना 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 थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी वुड देख रहे हो यहाँ पर पड़ा है और ये स्टोन यहाँ क्या कर रहा है, कॉमन शील्ड जो है मैं यहीं पर फेंक दे रहा हूँ बिकॉज ये अपने काम की अभी नहीं है। ठीक है क्योंकि मैंने जो है इसकी जगह पे नई वाली कॉमन शील्ड बना के रखी हुई है। बाकी साला ये चेस्ट मेरे को कभी एक्सेस ही नहीं देती भाई। ओके आया क्या एक्सेस, नहीं आया भाई अभी भी नहीं आया इसका, आ गया आ गया आ गया। यहाँ पर मेरे को पे ना काफ़ी कूड़ा कबाड़ हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कूड़ा कबाड़ ना मैं यहाँ फेंक के चला जाऊँ। और पैल्डियम फ्रैगमेंट यहाँ पड़े हैं क्या, क्योंकि सारे यूज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है हो जाने दो। लाल मेगा ये बॉल यहाँ पे उठा लो ना भाई, बॉल का यहाँ क्या काम है, लाल ये यहाँ डाल दो और ये फ्लूड यहाँ डाल दो। ठीक है जी और बोन बीन बीन कुछ पड़ा है तो बता दो, मैं यहाँ पे डाल के चला जाऊँगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर दी है, बट अभी भी काफ़ी सारा सामान ऐसा है जो कि मेरे को नहीं चाहिए यार। और मतलब मजाक से हट गया यार, यहाँ पर ना इन लोगों को ना चेस्ट में ना थोड़े और ज़्यादा स्लॉट देने चाहिए यार, काफ़ी मतलब छोटे से स्लॉट है यार ये देखो, एक चेस्ट में बहुत ही कम स्लॉट है यार, मतलब ना के बराबर स्लॉट है भाई। और ये चेस्ट का भैया हर बारी का अलग ही है। फिलहाल ये बूल बिल अपन यहाँ पे फेंक के जा रहे हैं गाइस। ठीक है और मेगा स्पेयर देखो भाई, तो मतलब मेगा नहीं नॉर्मल वाले पैल स्पेयर भाई कितने 218 हो गए गाइस अपने पास में। ठीक है फिलहाल यहाँ पर जो है मेरे पे ना थोड़ा खाना पड़ा हुआ है, तो मैं ग्राइल्ड चिकी पिकी जो है यहाँ कुक करने रख देता हूँ। ठीक है और उसके अलावा यहाँ पर जो बेरीज है ना वो मैं यहाँ डाल देता हूँ, अंडे भी यहाँ डाल दूँ क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए। ब्रेड मैं रखता हूँ, ब्रेड अपने खाने की चीज़ है। बाकी हाँ ये एमओ यार मेरे पे ना बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ पर ना कोई गन विन टाइप का ऐसा बनाने का ऑप्शन नहीं है क्या, मे बी होगा आगे चल के होगा, और देखते हैं इसके और क्या क्या यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। यहाँ पर एक मेटल चेस्ट है और वुडन का डिफेंस वॉल है। ठीक है और ये वॉल माउंटेड हाउस प्लांट सेट है भाई। ओके ठीक है मतलब ऐसे डेकोरेटिव हुआ,
बाकी हाँ मैं भूल गया यार, मेरे को ना अपना बेस अपग्रेड करने के लिए देखना है कि मेरे को ना और क्या क्या जो है चाहिए होगा। कूलर बनाना है मेरे को। ओके तो मेरे को ना एक कूलर यहाँ पर भैया अनलॉक करना ही पड़ेगा। ओके ओके एक काम करते गाइस, अपना जो कूलर है ना वो कहाँ गया भाई, मेरे को अभी थोड़ी देर पहले तो दिख रहा था यार, कहाँ गया, ये रहा गाइस कूलर अनलॉक करते हैं। कूलर को ना चल के यहाँ पर बनाते हैं, देखते हैं इसके लिए ना क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। मेरे को लग रहा है आयरन वीरन कुछ ना कुछ तो लगेगा, पक्का बता रहा हूँ। तो कूलर कहाँ गया, अच्छा कूलर ना अपना शायद यहाँ नॉर्मली बन जाएगा मेरे को लग रहा है। किधर गया कूलर, ये रहा। ओके कूलर के लिए भाई आयरन इंगट चाहिए। ओके तो मेरे को ना अभी काफ़ी सारे आयरन चाहिए होगा गाइस, और आयरन के लिए जो है मैं काम करता हूँ, क्या मैं इसको लेके जाऊँ, क्या इसको मैं ले जा सकता हूँ, कान नॉट बी असाइंड, ये बेस के बाहर जाएगा नहीं, पक्का बता रहा हूँ। वो नहीं जा रहा है यार, अपने साथ चल रहा है भाई, चल यार मेरे साथ चल भाई, थोड़ा काम भीम करा। ये ना एक काम कर, इसको तोड़ेगा ये, नहीं तोड़ेगा ये, मेरे को ही तोड़ना पड़ेगा यार, कोई नहीं। अब एक काम करते गए, दो मिनट दोनों में थोड़ा सा जो है यहाँ पर आयरन वायरन कलेक्ट करके कूलर बनाता हूँ, फिर उसके बाद ना अपना थोड़ा आज हम बेस भी और अपग्रेड करेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने जो है कूलर भाई बिल्कुल बना के एकदम तैयार, और उसको ना मैंने यहाँ पर लगा भी दिया है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ गाइस। ये है कूलर भाई, जिसमें हम जो है खाना रख सकते हैं, ठीक है, और इसमें ना खाना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ये वाला खाना बिल्कुल भी यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है, जहाँ तक मेरे को पता है। और बाकी ये ब्रेड ही मैं अभी के लिए रख रहा हूँ, बाकी मेन जो ये बनाने का वो था भाई अपना बेस अपग्रेड करना, क्योंकि अपने बेस जो है अभी लेवल 9 का, और अभी जो है हमने इसको लेवल 10 कर दिया है गाइस, और अभी ना हम यहाँ पर 9 जो है पैल को भाई अपने बेस पे काम पे रख सकते हैं, जो कि बहुत सही है यार। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ किसको रखूँ यार, जिसका लेवल थोड़ा कम है, क्योंकि उसके ना जो काम करते करते ना यहाँ पर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक काम करते हैं, ये मुसांडा को ना अपन रखते हैं भाई, ये ना यहाँ पर जो है काम धंधा करेगा और थोड़ा अपने बेस को भी प्रोटेक्टिव बनाए रखेगा। और बाकी हाँ गाइस, मेरे को ना ये वाले आर्मर के साथ एक दिक्कत समझ में आई कि ये आर्मर देखो भाई दिन के टाइम में तो सही है, बट यार रात के टाइम में अगर तुम कहीं गलती से निकल जाते हो और अगर तुम्हारे पास में आग विग नहीं जल रही है तो भाई आपको काफ़ी ज़्यादा ठंड लगेगी, और उससे ना डैमेज भी जो था हमें काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और बाकी गाइस जो फूड वाला स्लॉट है ना वो ये है भाई, यहाँ पर मेरे को फूड रखना है, हालांकि मैंने यहाँ पर रखा हुआ तो है, बट उसके बाद भी ना मैं यहाँ पर कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ऑटोमेटिक कंज्यूम नहीं हो रहा, मेरे को ना करना पड़ रहा है। बाकी अगर मैं अपना किसी पोकेमोन के देखूँ तो पोकेमोन वैसे अभी उनका सबका पेट भरा हुआ है, अगर मेरे को लग रहा है जब इनका पेट खाली होगा तब देखते हैं। बाकी यहाँ पर ना गाइस एक हैच जो है वो इंक्यूबेट हो चुका है, तो देखते हैं इसके अंदर से भाई कौन सा नया पैल निकलने वाला है। और यहाँ पर ओ ग्रीन टेल मिल गया गाइस, अरे भाई साहब हैं, कांग्रेस टेक्नोलॉजी पॉइंट भी मिला है और अपना लेवल 17 भी हो गया गाइस, हमें ग्रीन टेल मिल गया भाई, जो कि भाई कह दो कि ये मजाक है गाइस, ये ग्रीन टेल आई थिंक से मेरे को याद है ये एक तरीके का बॉस पोकेमोन है गाइस। एक सेकंड, ये देखो भाई, अरे भाई, और इसका लेवल 17 है और अपना वाले का लेवल काफ़ी कम है यार, मतलब अभी अभी वो पैदा हुआ है ना तो इसलिए इसका लेवल 1 है, और जबकि ये लेवल मत पे 106 का अटैक डैमेज देता है गाइस। बट मेरे को लगता है ये वाला ग्रीन टेल और वो वाले ग्रीन टेल में ना भाई सेम पैंकिंग जैसा फर्क होगा, मतलब वो वाला काफ़ी बड़ा होगा ये छोटा होगा। बट हाँ भाई, अपन को जो है फ्री फंड का ग्रीन टेल मिल गया है, तो क्या बोलते हो, क्या ग्रीन टेल की पुंगी बजाने चला जाएगा इस? नहीं, ग्रीन टेल की पुंगी नहीं बजा सकते, वो लेवल 17 का है, वैसे अपने ही लेवल का है, हम लोग उससे ना फाइट बीट कर सकते हैं। बाकी एक सेकंड, अपना अभी अभी लेवल अपग्रेड हुआ है, तो बाकी क्या बोलते हैं पैल का एक बार देखते हैं कि किसका अटैक कितना हुआ है। तो गाइस जो अपने डीनो सॉम्स है ना, इसका 237 का अटैक हो चुका है, ठीक है जी। एक सेकंड यार, मैं ना यहाँ पैल बॉक्स में चेक करता हूँ, वरना काफ़ी दिक्कत होगी। तो डीनोसॉम 237 के अटैक देता है, और अपना सुगर, अच्छा सुगर को मैंने ऐसे ही रैंडमली रखा हुआ है, और ये जो है भाई अपना मुसांडालक्स का 258 का हो गया है। नाइट विंग पहुँच गया है गाइस 253 पे, और मुसांडालक्स और नाइट विंग बराबर ही पहुँच चुके हैं गाइस, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पर सर्फेंट भाई 315 का अटैक देने लगेगा, ओ भाई लेट्स गो। बाकी ये वाला मुसांडा 305 का डैमेज देता है, हाँ अच्छा ये 20 पे रह के ज़्यादा डैमेज देता है, और अगर ये मेरे साथ रहेगा तो ये मेरे को कम डैमेज देगा। अरे यार ये क्या बात होती है भाई, ये थोड़ा सा अनफेयर है गाइस, कोई नहीं कोई नहीं। एंड फिलहाल यहाँ पर और मेरा कौन सा था, शीलेट का अटैक डैमेज यहाँ 216 का है और यहाँ भी 216 का है, मतलब जो बेस पर रहेगा उसका लेवल अपने से सिंक नहीं होगा, और जो बेस पर नहीं रहेगा, मतलब जो अपने साथ रहेगा उसका हमारे से लेवल सिंक हो जाएगा, तो वो उस हिसाब से डैमेज मतलब दिया करेगा, मतलब ठीक है यार। मेरे को लगा था कि यहाँ पर ये ना तगड़ा वगड़ा डैमेज देंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो गाइस अपनी पार्टी में एक स्लॉट खाली पड़ा है भाई, ये किसका स्लॉट है यार, वेट, डिनोसॉर्म्स अपने में है, मुसांडा लक्स है, नाइट विंग है और सर्पेंट है, तो एक पोकेमोन कौन सा है जो कि यहाँ पर रह गया भाई, कौन रह गया भाई, हेलो इधर तो नहीं पहुँच गया कोई, अच्छा ये पेंगुलेट, अच्छा ये पैनकिंग यार, ये अपना नया जो है पार्टी मेंबर है गाइस। एंड लेट्स गो गाइस, अभी ना एक जगह पे मेरे को जाना है, जिस जगह पे अपन ना कल गए थे, हम ना वहाँ पर आज जाने वाले, और वहाँ पे ना चल के थोड़ी सी जो है एक्सप्लोरिंग और करके आते, तो वो जगह ये है गाइस, ये भाई ये वॉर क्रेस्ट जो है ना
इसके बाजू में ही मतलब अपन चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि उससे लड़ने नहीं जा रहे क्योंकि वो लेवल 30 का बॉस है, पर अपन काफ़ी छोटे बॉस है गाइस। एंड वेट, लास्ट टाइम भाई गोफलिन ने मेरे को मारा था यार। फिलहाल मैंने अभी एक काम करता हूँ, यहाँ से निकल लेता हूँ भाई नाइट विंग से उड़ के। नाइट विंग उड़ ले भाई, उड़ ले, इनसे लड़ने का ही नहीं है अभी गाइस। अभी मजा आता है ना भाई, ये देखो अभी एक्सप्लोरेशन करने में काफ़ी मजा आता है बिकॉज हम लोग ना उड़ सकते हैं भाई। ये देखो अबे तुम्हारे ये गोले मेरे पर नहीं काम करेंगे भैया, तुम्हारे बर्फीले गोले। एंड यहाँ पर रहता है गाइस जस्ट सामने अपने बॉस रहता है भाई। और वेट, इसके अंदर क्या है भाई, मेरे को एक बार चेक करके आना है। अरे मेरे को लगा ये कुछ टन मतलब गुफा टाइप के है, कुछ डंजन है, बट नहीं ये कोई डंजन विंजन नहीं है, ये बस ऐसी दिखावे का बन रखा है गाइज। एंड लेट्स गो गाइज, अभी जो है थोड़ा एक्सप्लोरेशन करते हैं आज यार, क्योंकि नाइट विंग हमने जब से नाइट विंग का मैंने ना शेडल वेडल बनाया है ना, तब से मैं घूमा नहीं हुआ यार, बहुत ही कम घूमता। और ये देखो अबे मुसांडा भाई, यहाँ पर तो मेरे को लग रहा है मुसांडा ना लाइक नॉर्मली है इस वाले आइलैंड पे गाइज। क्या लगता है मेरे को तो ऐसे लगता है। बाकी मेरे को ना ये एक बार ही ना ये कैप्चर करनी है भाई, ये बी गार्ड, मेरे को बी गार्ड भी एक पकड़ना है और इसका जो किंग है ना मेरे को वो भी पकड़ना है गाइस। क्या मैं बी गार्ड से लड़ाई करूं, एक बार ही लड़के देख लेते हैं। ओके डैमेज तो पड़ा है, ओके डैमेज तो पड़ रहा है। निकल ले। नाइट विंग काफ़ी गंदी फाइट होने वाली है मेरे को लग रहा है। वेट यार, अरे इनसे लड़ते हैं ना भाई, डर क्यों आए हैं अपने पे क्रॉसबो है, सब कुछ है, रिलोड करने दो। ये फट जाती है ना, बस दिक्कत है ये ना ब्लास्ट हो जाती है यार, ये ना फट जाती है भाई। ओ इसने मेरे पर पॉइजन मार दिया क्या? हाँ इसने मेरे पर पॉइजन मार दिया है यार। ओके चल निकल। अरे यार इसको पकड़ लूँगा मगर यार, बस अपनी बस इतना ही बहुत है क्या? मेरे को लगता है नहीं ये नॉर्मल वाले पहले इस पर्सन कैप्चर होएगी। तो टेंशन मत ले, मैं तेरे को पकड़ के रहूँगा। ओ भाई इसने तो मेरे को ऑलमोस्ट मार ही दिया यार, इसको मौका नहीं देना है गाइस, क्योंकि अगर इसने मेरे को मारा ना तो मैं मर जाऊँगा भाई। वो अपना बंदा ऑटोमेटिक खा रहा है ऑटोमेटिक खा रहा है। बटे इतनी जल्दी पकड़ में आएगी नहीं यार। आ जा भाई, अपने पे पैल बहुत पड़े यार, कोई दिक्कत नहीं है यार। फिलहाल मैं इसको नॉर्मल वाले पैल से पकड़ने का ट्राई कर रहा हूँ। आ जा ओ मार दिया। क्या ये कैप्चर हुई? नहीं यार, शिट भाई यार, मेरे को ना इसको टपका ही देना चाहिए था गाइस, मैंने बेफालतू में रिस्क ले लिया यार। बट कोई नहीं, अपन यहाँ मरे हैं, हम लोग यहाँ रिस्पॉन ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। बेस पे चलते हैं क्योंकि इधर उधर रिस्पॉन लेने का कोई मतलब नहीं है यार, क्योंकि हमें और एट दी एंड भैया अपना सामान सट्टा तो वहाँ से उठाना ही है। चलो फास्ट ट्रैवल करके ना गाइस एक काम करते हैं, अपन यहाँ मरे ना यहाँ निकल लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यार, अपने पे फास्ट ट्रैवल पड़ा ही है, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। एंड चलो जी, अभी फटाफट से चल के जो पिटाई हमने खाई थी ना, वो पिटाई जो है अपन यहाँ पर मतलब निकल लेते हैं यार। यहाँ पर वो लोग तो नहीं है ना यार, ये लोग ना मेरे को बहुत तंग करते हैं, पर मैं ना सामने ही मरा हूँ, तो चल के फटाफट पहले अपना सामान उठाता हूँ। ओह गाइस, इस बारी भाई इन लोगों का ना राजा भी इनके साथ में है भाई, ये देखो। क्या यार, क्या मैं इन लोगों को मार सकता हूँ? मेरे को लगता नहीं है यार गाइस, ये ना बहुत ज्यादा ही लाइक कुछ पावरफुल टाइप के मेरे को लग रहे हैं यार। अरे मैंने अपने मुसांडा लक्स को क्यों नहीं निकाला मैं? अरे यार मैं भी एक नंबर का चोमू हूँ भाई। रुको, इसके ना एलिस बी को पकड़ देते हैं गाइस, अपन ना एलिस बी को पकड़ेंगे। अरे लग जाए यार। अरे व्हाट, अरे अब इसको एरो क्यों नहीं लग रहा अब मेरा? हैं, आर यू सीरियस? रुक, इससे तो मरेगा। लगा नहीं? अरे कैसे नहीं लगा यार उसको? और लगा। भाग ले, बहुत पिटेंगे अपन। उरे भैया, ये कैसी जादू की छड़ी घुमा रहा है तू? ओ मर जाएंगे। अरे अरे भाई, ये अपने राजे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं भाई। रुको, सरफेंट बचाएगा अपन को। चल बेटे, राजा होएगा तो अपने घर का। अरे बहुत डैमेज दे रहा है यार ये। अरे यार मेरे को क्यों मार रहा है? उसको उससे लड़ना। भाग 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 भाग। अंडी मंडी संडी। अरे ये मर क्यों नहीं रहा? मारना भाई, क्या कर रहा है इसको? What? ये कर क्या रहा है अपना वो बंदा है यार? एक तो इस गेम में ना हील भी लगाने का कुछ ऑप्शन नहीं है यार, क्योंकि मेरे को थोड़ा हील हो जाने दे, मैं तेरी मदद कर दूंगा। रुक जा। ये जा मुसांडा लक्स, लड़ जाके उससे। अरे व्हाट, मुसांडा लक्स भी भैया ठंडा तो पड़ गया क्या? और मार रहा है करंट।
फिलहाल ये है तो तगड़ा भाई पोकेमॉन कुछ भी। ओए नहीं 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 नहीं, मेरी हेल्थ नहीं है भाई, मैं लड़ नहीं सकता यार तेरे से, मैं नहीं लड़ सकता। अरे मुसांडल वहाँ क्या कर रहे है बाबू, वहाँ क्या कर रहे हो तुम? अभी यार भाई ये बंदा ना पागल हो गया, सही में सही बता रहा हूँ मैं, ये सही में पागल हो चुका है भाई अपना मुसांडल। मार उसे। ओके ओके डैमेज तो दे रहे हैं। ओ अरे भाई पंच तो मारा था उसने खतरनाक, बट अपना भी ना अपने को भी उसने खतरनाक पंच दे डिस्गाइज। ओके इलीज भी काफ़ी लो हो गया है, मैं ना उसके सामने इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि भाई मैं वो मेरे को ना मार देगा। वो देखो इसके हेडशॉट मारूंगा तभी काम बनेगा। ओके पड़ा 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 साले को हेडशॉट। अरे बच गया इस बार। ओ हेडशॉट लगा इस बारी भाई, हेडशॉट लगने की अलग ही आवाज़ आती है चटैक से। ओए भाग 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 भाग, अंडी मंडी संडी आ गया भाई। अरे 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 आ गया आ गया यार, अपना मुसांडल ऐसा अलग ही चढ़ जा रहा है वो, देखो भाग ले बच्चा 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 बचा ले। सरपेंट तू ही लड़ सकता है मेरे भाई, मारना है उसे। अरे क्या कर रहा है यार, जब वो भाग जाएगा भाई यहाँ से, उसे पकड़ के रख, वो भाग रहा है। अरे उसको डैमेज क्यों नहीं पहुंच रहा? अरे व्हाट, बैठाइयो जरा बेटे। मर गया क्या? आजा। अरे ये कैप्चर नहीं होगा भाई, मरे मरे बेटा अपन गए, दोनों मरने वाले हैं, दोनों मरने वाले हैं, निकल ले। अरे मर गया है तो मर गया। रुक रुक पैन किंग भैया जी बचाओ मुझे, मेरे पे नॉर्मल वाले पैल नहीं है क्या? अरे यार मेरे पे ना वो वाले पैल हैं नहीं। अच्छा मैं इसको पकड़ ही नहीं सकता, इसके लिए मेरे को नया वाला वो चाहिए होगा यार, पैल स्पेयर। ओ बोरा बोरा मेगा स्पेयर बोरा मेरे को सामने दिख गया। चल 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 चल, कमॉन 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 कमॉन, भाग भाग। एक इससे पकड़ के देखता हूँ। अरे ले, अरे गोबर कर दिया भाई। नहीं यार ये एलिस भी नहीं पकड़ा जाएगा गाइस, इससे मेरे पे है भी नहीं ना वो वाले मेगा स्पेयर यार, मैं बना के लाता ना तो। ओके ओके सामने मेरे को एक नज़र तो आ रहा है, क्या ये मेरे को उठाने देंगे? रुक थोड़ा सा वो हेल्थ होने दे, थोड़ी सी वो जाने दे। उठा ले ये वाला, अब देख चेक करके आता हूँ। रुको अगर ये मेगा स्पेयर से लाइक पकड़ा जा रहा है तो मैं ना मेगा स्पेयर ही लेके आऊँगा। वैसे हालांकि मेरे को लगता नहीं वो एक बार में मानेगा, और वो पता नहीं भाई कहाँ चला गया होगा क्योंकि उसकी ना काफ़ी ज़्यादा हमने फाड़ दी थी भाई, बिल्कुल ही मैंने उसको मारने वाला था। मैं कहाँ चला गया यार, वॉट? अरे वो इलिस भी कहाँ चली गई? अभी मेरी इतनी लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्या है? अभी कहाँ गया वो? रुक मेरा नाइट विंग कहाँ है? बिठाइयो भाई जरा। नहीं ये वो नहीं है यार, वो ये नहीं है वो इलिस भी। अरे वो कहाँ चला गया इलिस भी वो वाला यार? अरे यार इतनी मुश्किल से तो यार मैंने उससे लड़ाई करी थी भाई, कहाँ चला गया वो? अरे यार गाइस स्कैम हो गया भाई अपने साथ, वो ना अपनी मतलब दुम दबा के ना निकल लिया, उसने देखा हम भी जा रहे हैं वो भी निकल लिया यार। अरे यार मेरे पे ना मेगा स्पेयर है नहीं। ओ वेट यहाँ पर ये क्या हो रहा है? है व्हाट, यहाँ पर अजीब सा एनिमेशन कैसा है? ये क्या है भाई? ये बिल देखना गाइस, ये घास कुछ अलग ही नहीं लग रहा तुम्हें? रुको मेरे को ना एक चीज दिखी है, पहले मैं ना ये लेके आऊंगा। ये ले लो भाई, ये थोड़ा काम का। ये देखो भाई, अबे ये क्या भूतिया जगह है भाई, निकल ले भैया यहाँ से, मेरे को यहाँ पे ना फीलिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है। बाकी यार गाइस वो जो भाई अपना क्या बोलते हैं वो बंदा था वो इलिस भी, वो तो यार देखो जान बचा के चोरी छुपे निकल लिया, अभी हम क्या ही कर सकते हैं। मैंने ट्राई तो करा था, मेरे को ना मेगा स्पेयर अब ना बनाने पड़ेंगे गाइस, क्योंकि मेरे को ना अभी अगर हाई प्रोफाइल वाले मतलब लाइक हाई लेवल वाले अगर मेरे को पोकेमॉन कैप्चर करने हैं तो मुझे मेगा स्पेयर अब लगेगा ही लगेगा, मतलब नॉर्मल वाले पहले स्पेयर से अब काम बनेगा नहीं। और मैं अगर मुसांडा लक्स वगैरह को भी पकड़ना चाहूँ ना तो भी मैं शायद नहीं पकड़ पाऊंगा। और बाकी ये इलिस भी ना काफ़ी ज़्यादा लाइक एक तरीके का किंग, ये एक तरीके का बॉस ही है क्योंकि ये ना किंग है भाई। इन क्या बोलते छोटे छोटे जो है ना इनका बी गार्ड के बी ग्रेड के जो है ना यहाँ पर ये किंग है एक तरीके से, तो इसीलिए जो है अपन इसको नॉर्मल वाले पहले स्पेयर से नहीं पकड़ सकते, इसके लिए हमें जो है
भाई तगड़ा वाला पैलेस पर लगेगा ही लगेगा। ठीक है कोई नहीं, अपन ना उसको भी यहाँ पर बना लेंगे ठीक है गाइज। एंड बाकी अपना गाइज सरपेंट यहाँ पर मर गया जो जिसके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। और सामने लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ यहीं से तो मुसांडा लक्स पकड़ा था, मेरे को पक्का लग रहा है कि इस बार अगर मैं दोबारा जाऊँगा ना तो मेरे को दोबारा वहाँ पर मुसांडा लक्स दिखेगा मेरे ख्याल से। वेट, अरे ये मेमोरिस्ट को मार रहे हैं ये सिंडिकेट। ओए रुको है वो, अरे व्हाट, अबे कौन मार रहा है मुझे। ओ अच्छा इस बार गाइस कोई और पोकेमोन है यहाँ पर। अबे चिकी भी मुर्गी पकड़ रखी है। अरे यार क्या चूमू लोग है भाई। अच्छा बी गार्ड की लड़ाई हो रही है, मेरे को लगा एलिस बी की लड़ाई हो रही है भाई यहाँ पर। ओके ओ भाई ये मेमोरिस्ट देख रहे हो भाई, ये नॉर्मल से घूमने वाला मेमोरिस्ट भी भाई एक बार में जो है लोगों को ढेर कर देता है, तो तुम लोग आइडिया लगा सकते हो गाइस कि वो मतलब कितना ज्यादा तगड़ा है भाई मेमोरिस्ट। मैं सोच रहा हूँ गाइस अगले वाले एपिसोड में अपन इसको कैप्चर करें। अच्छा तुम लोग ना मेरे को कमेंट में बताना कि क्या मेरे को नेक्स्ट वाले एपिसोड में ये वाला जो है मतलब मेमोरिस्ट को पकड़ने का ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है आप लोग जाकर मेरे को कमेंट बताओ। बाकी एक गोरियट, अरे मेरे को लास्ट टाइम मेरी शायद इसी से लड़ाई हुई थी ना। हाँ इसी से लड़ाई हुई थी गाइस। और मेरे पे खाना नहीं बचा है क्या, कह दो कि मेरे पे खाना नहीं बचा है। अरे कौन मार रहा है, ये साले यहाँ तक क्यों आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे। आओ आओ मारो, आओ आओ गोरियट, गोरियट वो देख मार रहे हैं तेरे को गोरियट। ओ गोरियट पागल हो गया। अरे बंदर, और ये बंदर कुछ मारता है भाई खतरनाक। ओ हो काफी तगड़ा डैमेज दे रहा है यार ये। पागले ओए अंडा, अंडा मिल गया, अंडे का फंडा निकल ले। अरे अरे वो पागल हो गया, उसको देखो। अरे यार इसको ना डॉज नहीं कर पाते अपन, मरने वाले हैं अपन। निकल, तेरी मम्मी की जय, तेरी मम्मी की जय। कर 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 कर, अरे भाग भाग ले भाई। नहीं 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 भाग ले, नहीं लड़ रहे अपन, नहीं लड़ रहे, नहीं लड़ रहे भाई, लड़ ही नहीं रहे। मेरी नाइट विंग मरने वाला है, मेरा नाइट विंग पूरा फास्ट ट्रेवल। पीछे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अरे हर तरफ भाई है यार, ये लोग भी मार देंगे गाइस। शिट गड़बड़ 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 हो गई भाई, मरने वाले गाइस हम लोग, फिर से हम लोग फिर से मरने वाले हैं भाई। अबे नहीं, कमॉन 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 नाइट बिंग कमॉन। ओह बस हो ही गया, वही कबा वही कबा। निकल ले भैया घर, निकल ले जल्दी जल्दी घर निकल ले। ओ बच गए भाई, बच गए गाइस, अभी मर जाते यार। मतलब यार मैं सही बता रहा हूँ, ये इस वाले एरिया की तरफ जाना ना भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। बट कोई नहीं, जैसे तैसे तुम्हारा भाई जिंदा बच के आ चुका है। बट यार मेरे को ना बुरा ये लग रहा है कि हमने इतनी तगड़ी फाइट करी भाई वो इलिस बी से, बट यार हम उसको ना कैप्चर नहीं कर पाए। मेरे को लगता है मेरे को ना भाई अभी मेगा स्पेयर जो है ना अपने लिए लाइक बना के रख लेनी चाहिए काफ़ी सारे, क्योंकि इनके ना हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसा ज़रूरत सी गाई से पड़ने वाली है। ठीक है तो अपन जो है उसके यहाँ पर बना ही के रखेंगे। और बाकी ये देखो भाई अपना ये पूरा का पूरा आर्मर डैमेज हो गया था और शील्ड भी अपन ने हील कर लिया। एंड वेट, अरे इधर वाले एग में देखते हैं क्या निकलने वाला है, क्योंकि इसका ना टाइम हो चुका है इंक्यूबेशन का। लेट्स सी क्या निकलता है इसमें से। और अरे यार इसमें से भी ग्रिंटेल मिला है भाई। अभी ये दो दो ग्रीन टेल का मैं क्या करूँगा यार, हैं बताओ, ये कोई बात होती है। फिलहाल यहाँ पर एक लार्ज ब्रेडेंट एग पड़ा है गाइस, तो इसको मैं जो है इंक्यूबेशन के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है और इसमें आधा घंटा जाने वाला है अपना, आराम से आधा घंटा चला जाएगा। बाकी यहाँ पर कोई लार्ज वाला एग पड़ा है क्या? ओके बाकी सबके सब जो है कॉमन एग ही पड़े गाइस, कोई भी बड़ा अंडा नहीं है। एंड इसको भी जो है अपन यहाँ पर इंक्यूबेशन पर लगा देते, ये तो काफ़ी जल्दी हैच हो जाएगा। ये देखो 6 मिनट में ही हो जाता है। बाकी ये बड़े वाले जो है और जो लार्ज वाले रहते हैं मतलब ह्यूज और लार्ज, ये काफ़ी ज़्यादा जो है अपना यहाँ पर टाइम खा जाते हैं। एंड बाकी यार गाइस आज की जो अपनी वीडियो है वो मैं सोच रहा हूँ फिलहाल हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और आज की इस वीडियो में गाइस अपन लोगों ने पैंकिंग वर्सेस पैंकिंग की फाइट कराई थी यार, जिसमें कि मतलब अपना वाला पैंकिंग यहाँ पर हार गया था। और ऑब्वियसली बात हारता इसलिए क्योंकि भाई जो सामने वाला पैंकिंग था वो भाई देखो उसको साइज में भी बड़ा था और उसका अटैक डैमेज भी अपने वाले पैनकिंग से ज़्यादा ही था, तो इसलिए अपना पैनकिंग का हारना बिल्कुल यहाँ पर तय था। बट कोई नहीं, एट द एंड हमने भी जो है उसको अपना बना लिया है। ठीक है एंड बाकी यार गाइज अगर तुम लोगों ने यार ये वाली वीडियो यहाँ पर मतलब यहाँ तक देखी और तुम्हें अच्छी लगी यार तो प्लीज़ एक लाइक जरूर से कर देना। बाकी चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी कर लो। और हाँ गाइज मेरे को कमेंट में बताना कि क्या तुम लोग अगले एपिसोड में देखना चाहते हो तुम्हारा भाई मेमोरीज से फाइट करे और उसको कैप्चर करे, तो आप लोग जाकर जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए यार बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।